अस्सलाम वालेकुम, मैं बिस्मा साबिर अली यूट्यूब वीडियो के साथ। आज हम केरी के अबाउट देखेंगे, आपने केरी के कैसे स्टाइल बनाना है ये आप सब देख रहे हैं कि मैं बना रही हूँ। आप बहुत खूबसूरती से ऐसे अपनी केरी का डिज़ाइन कर सकते हैं और इसके ऊपर हम्स बना सकते हैं जो कि बहुत एलिगेंट लगते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में आपको ये सब अपनी वीडियो में बताया था और सिखाया था और उसी को यूज़ करते हुए न्यू चीज़ें सीख रहे हैं हम जो कि बहुत खूबसूरत लगेंगी। और आज इसमें हम में अच्छी सी फीलिंग करना भी सीखेंगे जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगी और आपको न्यू आइडियाज़ मिलेंगे। तो अपने आइडियाज़ को ज़रूर यूटिलाइज़ करना है, आप लोगों को और भी चीज़ों में यूटिलाइज़ करना है और भी न्यू चीज़ें बनानी है कि प्रैक्टिस से ही आपको आएगा। सबसे पहले मैंने भी अपनी ड्राइंग बुक पर बनाया है और आपको दिखा रही हूँ ड्राइंग बुक पर हम कैसे बना सकते हैं। ड्राइंग बुक पर जब हम बनाएंगे तो हमें डिफरेंट आइडियाज़ अपने ड्राइंग बुक पे हाथ को साफ़ कर सकते हैं, सारे सोच सकते हैं, फिर मेहंदी से अप्लाई शीशे पे करेंगे और फिर उसके बाद हमें कॉन्फिडेंट आएगा, फिर हमें सब चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, फिर हम हाथ पे आराम से ट्राई कर सकते हैं। अब हमने सेकंड स्टार्ट किया है, आप देख रहे हैं मैंने इसमें केरी डिफरेंट स्टाइल में बनाई है। पहले वाली केरी मैंने डिफरेंट स्टाइल में बनाई थी, इसकी थोड़ी डिफरेंट स्टाइल है। इसमें जो मैंने लास्ट में जो कर्व दिए हैं ये बहुत फिनिशिंग से स्ट्रेट लाइन के तौर पर ही आप कर्व दे, बस आप लोगों को ये कोशिश करनी है कि आप स्ट्रेट लाइन जो आपकी जो कर्व आ रहे हैं वो बिल्कुल बराबर आए, उसमें स्पेस बराबर आए। लास्ट से थोड़ा सा मैंने मोटा किया है, उसमें भी डिफरेंट फीलिंग की ऐसे ही आप लोगों को करनी है, आपको डिफरेंट स्टाइल मिलेंगे। अब मैं नेक्स्ट टाइप की केरी बना रही हूँ जो कि और डिफरेंट स्टाइल की है और इसमें भी डिफरेंट चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं और आप लोग ऐसे करके अच्छी सी मेहंदी सीख सकते हैं अपने घर बैठे और घर में प्रैक्टिस करके अच्छे कोई भी हुनर हासिल कर सकते हैं। यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप आराम से अपना कोई भी जो भी आप विलिंग हैं वो सीख सकते हैं, मगर सबसे पहले आप विलिंग होने चाहिए, उसके बाद आपने मेहनत करनी है कि प्रैक्टिस करेंगे तो मेहंदी आएगी। मेहंदी पकड़ना उसको चलाना अपनी मर्ज़ी से ये बहुत बड़ा एक आर्ट है जो कि आप लोग जब ही कर सकेंगे जब आप लोग मेहनत करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। किसी भी चीज़ में मेहनत बहुत ज़रूरी होती है और मेहंदी में भी मेहनत इतनी ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस करें, आप आराम आराम से मेहंदी निकालें, उसको समझें वो कैसे निकल रही है। हर मेहंदी का अपना स्टाइल होता है निकलने का, कुछ मेहंदियाँ डिफरेंट स्टाइल से निकलती हैं और कुछ थोड़ी मोटी निकल रही है, तो आपको आनी चाहिए कि पतली कैसे निकले। और मैंने यहाँ पे वो स्ट्रेट लाइंस बनाई है जैसे मैंने पहले फर्स्ट लाइन बनाई थी और उससे जाल बनाया है बीच में, यह हम आगे की डिज़ाइन में भी यूज़ कर सकते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं अब हम मैं न्यू स्टाइल यूज़ करूँगी जिससे आप दो कर्व्स बनाऊँगी जिससे डिफरेंट आपको कुछ डिज़ाइन मिलेंगे। ये देखें मैंने थोड़ा सा इसको इनहेंस किया और इसमें फिलिंग करी है जो कि आप भी डिफरेंट स्टाइल से भी कर सकते हो, इसी स्टाइल से भी कर सकते हैं। और जब भी आप अपनी मेहंदी लगाएं तो उसके जो कॉर्नर है उसको थोड़ा ज़रूर मोटा करें ताकि आपकी मेहंदी में खूबसूरती आए। जब वो रच जाती है तो बीच की थोड़ी बारीक लगेगी और साइड की थोड़ी हैवी होगी, मोटी होगी, डबल फिलिंग होगी तो खूबसूरत लगेगी। अब मैंने थर्ड अपना न्यू स्टाइल स्टार्ट किया है, इसमें मैं दो तीन कर्व्स मिला के एक न्यू डिफरेंट एलिगेंट सा बनाऊंगी जो कि आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत बनेगा, क्योंकि जस्ट आप वही चीज़ें हैं बस यूज़ डिफरेंट जगह किया है और ऐसे ही यूज़ करके आप बहुत खूबसूरत चीज़ें बना सकते हैं। इसमें देखिए मैंने वही चीज़ें यूज़ की हैं बस थोड़ा डिफरेंट किया है, इसमें फिलिंग की है और वही कट्स यूज़ किए हैं, बस बनाने का तरीका आप लोगों का मुख्तलिफ हो सकता है मगर चीज़ें वही बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोग अपना हाथ सेट कर लें तो उसमें बहुत खूबसूरती से आराम से और प्यारा और अच्छा फिनिशिंग से काम कर सकते हैं। यही मैंने केरी बनाई है डिफरेंट स्टाइल में बनाई है, जैसे पहले बनाई थी उससे थोड़ा डिफरेंट बनाई है। और इस पर भी हम्स बहुत ज़रूरी हैं, हम्स बनाने से हम्स बनाते हैं हमारे में बहुत ज़्यादा बारीक आते हैं, बारीकपन आता है और ज़्यादा हमारी मेहंदी में बहुत प्यारी लगती है और खूबसूरती भी इसी चीज़ की आती है। सबसे ज़्यादा बारीक मेहंदी में इस चीज़ को प्रिफेयर किया जाता है फीलिंग्स में और डिज़ाइन के एट गेट सब जगह यही चीज़ बनाई जाती है और इसको बहुत पसंद किया जाता है। और आप लोगों को देखें मैंने न्यू एक दो कट से बना के बनाया है, वही चीज़ें यूज़ हुई हैं और देखिए मेरा बन गया है। और आप देख सकते हैं कि ये सब मैंने जो अभी के अभी डिज़ाइन खुद से सोच के बनाए हैं और ये कितने खूबसूरत लग रहे हैं। आप अपने हाथ पे भी ऐसे ही डिफरेंट छोटे छोटे कट्स की प्रैक्टिस कीजिए, हम शीशे पे प्रैक्टिस कीजिए, हाथ पे प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आप लोग डिफरेंट और भी अच्छे बना सकते हैं इससे और भी ज़्यादा। और हो सकता है इसमें से देख के कोई न्यू स्टाइल आपके जहन में आ जाए तो बहुत। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेगी कल नई वीडियो के साथ।